हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड यू आर वाचिंग अंकिता नेगी क्लासेस. वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज हम कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. अब बैलेंसिंग के हमारे पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें वर्ड्स में दे रखे होते हैं और हमें फिर उसको सिंबल्स में कन्वर्ट करना होता है, देन तब उसको बैलेंस करना होता है. अब हमको पता है जिंक को हम कैसे लिखते हैं, जेड एन. ओके, जिंक का सिंबल हमारे पास क्या होता है, जेड एन. सिल्वर को हम लिखते हैं ए जी और नाइट्रेट को हम लिखते हैं NO3. ओके, अब जिंक नाइट्रेट को हम कैसे लिखेंगे, ZN NO3 का होल ट्वाइस. क्यों? क्योंकि जिंक की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है. तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं केमिकल फार्मूला, जैसे हमने 9th में केमिकल फार्मूला बनाते हैं, तो अगर आप देखोगे तो कैसे लिखते थे, जिंक और नाइट्रेट, और यहाँ पे उसकी वैलेंसी जिंक की और यहाँ पे नाइट्रेट की वैलेंसी, और तब हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे. तो जेड एन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और NO3 के, और NO3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस. ठीक है, तो ऐसे हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं. ठीक है, तो अब हमने जिंक नाइट्रेट का फार्मूला देख लिया कि कैसे बनाना है. सिल्वर हम लिखते हैं Ag. ओके, अब हमने क्या करा, जो हमें वर्ड्स में हमें इक्वेशन दे रखी थी उसको हमने सिंबल्स में लिख लिया है. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसको बैलेंस करने का. अब हम बैलेंस करते हैं, तो जेड एन हमारे पास 1 है, जेड एन हमारे पास 1 है. ओके, सो जेड एन हमारे पास इस साइड भी 1 है और जेड एन हमारे पास इस साइड भी 1 है. ये हमारे पास LHS साइड है और ये हमारे पास RHS साइड है. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और उतना ही आपको कम टाइम लगेगा फिर इक्वेशन सॉल्व करने में. अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर Ag, जो हमारे पास यहाँ पे 1 है, और इस साइड हमारे पास Ag कितना है, 1. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास हमने जिंक लिख लिया, Ag लिख लिया. अब नाइट्रोजन की बारी है. नाइट्रोजन इस साइड हमारे पास 1 है और नाइट्रोजन इस साइड हमारे पास कितने हैं, N, और इसके साथ ये जो 2 है तो नाइट्रोजन इधर 2 हो गए. ऑक्सीजन हमारे पास इस साइड कितने, O3 है ना, तो 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, O3 और ये प्लस ये वाला 2, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन हमारे पास है. जिंक बैलेंस है, सिल्वर बैलेंस है, जो बैलेंस नहीं है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं. अब हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन 1 था, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, नाइट्रोजन जो यहाँ पे पहले 1 था वहाँ कितना हो चुका है, वो 2 हो चुके, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गई है. बट इसके साथ साथ क्या हो गया, यहाँ पे Ag कितने हो गए, 2 हो गए हैं. ओके, और ऑक्सीजन कितने हो गए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6. ये जो आगे नंबर लिखा होता है और जो एलिमेंट के साथ नंबर लिखा होता है नीचे की साइड, उनको हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 × 2 = 6 हमारे पास ऑक्सीजन आ गए हैं. अब जिंक हमारे पास जो है वो बैलेंस है, Ag हमारे पास इस साइड 2 है, इस साइड हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो हमारा जो Ag हो जाएगा वो भी बैलेंस हो जाएगा. नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6, यानी हमने सारे एलिमेंट जो है उनको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया. तो ये पूरी इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो चुकी है. ओके, सो हमने इसमें जो सिंबल में दे रखे होते हैं उनको बैलेंस करना सीख लिया, जो हमें वर्ड्स में दे रखे हैं उसको बैलेंस करना सीख लिया, और जो मैंने आपको इस इक्वेशन से पहले जो क्वेश्चन करा था वो आपकी NCERT का था, और ये अलग क्वेश्चन भी आपकी NCERT बुक का ही है. अब इसमें हम एक नेक्स्ट इक्वेशन और देखते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन जो है, अब ये वाला क्वेश्चन भी आपकी NCERT बुक का ही है. अब इसमें हमें क्या करना है, सेम वैसे ही सिंबल में इसको कन्वर्ट करेंगे. तो सोडियम क्लोराइड तो सबको पता ही होता है, NaCl. ओके, सिल्वर नाइट्रेट कैसे लिखते हैं, AgNO3, क्योंकि Ag की वैलेंसी भी प्लस 1 होती है और नाइट्रेट की तो होती -1 है, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, AgNO3. अब नेक्स्ट इसमें क्या बनेगा हमारा, सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड को कैसे लिखेंगे, सिल्वर को लिखते हैं हम Ag, क्लोराइड को लिखते हैं हम Cl. Ag की होती है +1 और Cl का होता है -1, ये वैलेंसी है इनकी. फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, AgCl. तो हमने सिल्वर क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या बना दिया, AgCl. ओके, सोडियम नाइट्रेट कैसे लिखेंगे, अब सोडियम कैसे लिखते हैं हम, Na, नाइट्रेट NO3. सोडियम की वैलेंसी होती है हमारे पास +1, नाइट्रेट की होती है -1, तो
तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, एन ए एन ओ थ्री, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके, आपको मैंने केमिकल फार्मूला भी बता दिया कि आपको कैसे बनाना है। अगर किसी को डाउट होता है तो मैं उसमें एक केमिकल फार्मूला कैसे बनाना है उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। नेक्स्ट अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास एलिमेंट जो है वो हमारे पास बैलेंस है या नहीं है। तो एन है हमारे पास यहाँ पे एक, इधर भी हमारे पास एन ए है एक, यानी रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड बोथ साइड जो हमारे पास सोडियम है वो बैलेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन, सी एल हमारे पास देखेंगे तो सी एल यहाँ पे है एक, प्रोडक्ट साइड में भी सी एल हमारे पास है एक, सी एल भी हमारे पास क्या है, बैलेंस है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास ए जी, और प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास जो है ए जी वो क्या है, दोनों एक एक हैं और दोनों बैलेंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड एक है और नाइट्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट साइड एक है, यानी हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो भी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड तीन है, प्रोडक्ट साइड भी तीन है, यानी हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है, बैलेंस्ड है। यानी ये इक्वेशन पहले से ही क्या है, बैलेंस्ड है। अब कुछ बच्चे जो होंगे इसमें भी ना टाइम वेस्ट करेंगे पूरा LHS RHS, इसलिए एक बार जब भी आप इक्वेशन लिखते हो उसके एलिमेंट को थॉरली ऊपर ऊपर से ओरली मतलब ऐसे चेक कर लिया करो। अगर लगता है कि नहीं इधर रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा है या प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है या कम है, फिर आप उसको बैलेंस करा करो। बट एक बार रिएक्शन जब आप लिखते हो तो उसको ओरली चेक कर लो कि हाँ हमारे एलिमेंट बैलेंस्ड है या नहीं है। कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड होती हैं, या ज़्यादातर बच्चे जो वर्ड्स में होते हैं इसमें बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, वो केमिकल फार्मूला ही गलत लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनको रिएक्शन जो होती है जो बैलेंस दे रखी होती है बट वो उसको भी क्या करते हैं, गलत करके उसको भी बैलेंस करने लग जाते हैं। सो इसलिए इसमें आपको बैलेंसिंग के लिए आपको केमिकल फार्मूले, सिंबल्स, वैलेंसी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और उसके बाद आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करके नंबर ऐड करके आपको इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। सबसे पहले इसमें हमारे पास पहला हमें दे रखा है बेरियम क्लोराइड, तो हमें पता होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड हम कैसे लिखते हैं। तो हमने केमिकल फॉर्मूला देखा था, बेरियम को लिखते हैं हम बी ए और क्लोराइड को हम लिखते हैं सी एल। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, वैलेंसी लिखनी होती है। तो बेरियम की होती है प्लस टू और क्लोराइड की होती है माइनस वन, देन हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बी ए के साथ वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी ए और सी एल के साथ आ जाएगा टू, तो सी एल टू। ओके, सो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, बी ए सी एल टू। ओके, नेक्स्ट वो रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिखते हैं हम, ए एल, एल्यूमिनियम के लिए हम ए एल लिखते हैं और सल्फेट को हम लिखते हैं एस ओ फोर। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास, प्लस थ्री, और सल्फेट की वैलेंसी होती है हमारे पास माइनस टू। तो जब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो Al होगा टू के साथ मल्टीप्लाई, तो Al टू हो जाएगा और SO4 जो है SO4 ये मल्टीप्लाई होगा थ्री के साथ। जब भी हमारे पास दो एलिमेंट एक साथ होते हैं जैसे कि SO4, ये पूरा सल्फेट का फॉर्मूला आता है SO4 माइनस टू, तो सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। तो अब ये दोनों हमारा साथ में है तो हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट में और इसके साथ हम करेंगे थ्री को मल्टीप्लाई। तो हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आ गया Al2SO4 का होल थ्राइस। अब नेक्स्ट टू गिव, टू गिव में हम लगाते हैं एरो, ठीक है। एरो का मतलब कि हमें क्या देगा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड हम कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम को कैसे लिखते हैं, Al, क्लोराइड के लिए सी एल। एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमने देखी थी कितनी होती है, प्लस थ्री, और क्लोराइड की वैलेंसी होती है माइनस वन। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, ए एल सी एल के साथ थ्री, तो ए एल सी एल थ्री। एंड अ प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट होता हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि किसका है, बेरियम सल्फेट का। अब बेरियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे, हम बेरियम के लिए लिखेंगे बी ए, सल्फेट के लिए लिखेंगे एस ओ फोर। बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास, प्लस टू, सल्फेट की वैलेंसी होती है माइनस टू। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे हमारे पास,
BaSO4। अब हमने अपनी रिएक्शन जो हमें पहले वर्ड्स में दे रखी थी उसको हमने सिंबल में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सेम जैसे हमने बैलेंस करा था बिल्कुल वैसे ही करना है। एक तरफ लिखना है LHS, दूसरी तरफ लिखना है RHS। ओके, ये साइड हमारी रिएक्टेंट है, ये साइड हमारा प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे हम, जो जो एलिमेंट हमको दे रखे हैं, जैसे बी ए दे रखा है, सी एल है, ए एल है, एस है एंड ओ है। ओके, अब सेम वही एलिमेंट हमको यहाँ पे भी लिखने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इनके हमें लिखने हैं कि कितने, जैसे बी ए हमारे पास रिएक्टेंट साइड एक है, सी एल हमारे पास कितने हैं, दो हैं, एल्यूमिनियम हमारे पास दो है, एस हमारे पास, अब ये थ्री है, ये किसके लिए होगा, इस एस के लिए होगा, एस के साथ कुछ नहीं है ब्रैकेट के अंदर, एस के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे ओ के साथ फोर है लेकिन एस के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये जो ब्रैकेट से बाहर नंबर है ये एस के लिए भी है और ओ के लिए भी है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एस के थ्री हो गए और ओ के कितने हो गए, ओ के अंदर फोर थे बाहर थ्री है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर दे, तो फोर थ्री जा ट्वेल्व हमारे पास ओ है। नेक्स्ट अब हमें प्रोडक्ट साइड के काउंट करते हैं, बी ए हमारे पास प्रोडक्ट साइड में एक है, सी एल तीन है, एल्यूमिनियम हमारे पास एक है, सल्फेट हमारे पास एक है और ऑक्सीजन हमारे पास सिर्फ फोर है। अब हम देखें तो हमारे पास बी ए हमारा बैलेंस है, सी एल हमारा अनबैलेंस्ड है, एल्यूमिनियम सल्फर और ऑक्सीजन तीनों ही हमारे पास क्या है, अनबैलेंस्ड है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, बी ए हमारा बैलेंस है तो हम सी एल को बैलेंस करते हैं। अब मैं देखूँ यहाँ पे सी एल मेरे पास दो है और यहाँ पे मेरे पास सी एल तीन है, तो मैं इनको कैसे बैलेंस कर सकती हूँ। अब मैंने बताया था हम नीचे नंबर नहीं लिख सकते, अब मेरे को एक नंबर, मेरे को नंबर देखना है कि मैं यहाँ पे और मुझे यहाँ पे, क्योंकि सी एल मेरा इस साइड है और यहाँ पर भी। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे थ्री लगा देती हूँ और यहाँ पे टू लगा देती हूँ। क्यों मैंने यहाँ पे थ्री और यहाँ पे टू लगाया, क्योंकि जो यहाँ पे सी एल है इसके साथ ऑलरेडी टू है। अब मैंने यहाँ पे जब थ्री लगा दी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, तो ये सी एल जो पहले टू था ये हो गया हमारा सिक्स। अब इस वाले में मैंने यहाँ पे टू इससे लगाया क्योंकि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी टू थ्री जा सिक्स, तो यहाँ पे भी मेरे पास सिक्स आ गया, तो मेरे सी एल जो है वो क्या हो गए, बैलेंस हो गए, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेरे पास नीचे टू था तो मैंने यहाँ ऊपर टू लगा दिया, यहाँ नीचे मेरे पास थ्री था तो मैंने इस साइड ऊपर थ्री लगा दिया, तो क्यों, तो जब मैंने उनको मल्टीप्लाई करा तो दोनों साइड हमारा सेम नंबर आ गया, तो हमारा सी एल जो है वो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ए एल टू है और यहाँ पे ए एल वन है, तो अब जैसे हमने यहाँ पे टू लगाया तो ये टू ए एल के लिए भी है और ये टू सी एल के लिए भी है, तो मेरा जो ए एल है वो क्या हो गया, वो टू हो गया, ठीक है, तो मेरे ए एल भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर, अब सल्फर मेरे पास यहाँ पे तीन थे रिएक्टेंट साइड में, सल्फर तीन है मेरे पास और यहाँ पे एक है, तो मैं यहाँ पर इसका अमाउंट बढ़ाऊंगी सल्फर का, तो मैंने यहाँ पे थ्री लिख दिया। अब मेरे यहाँ पे सल्फर कितने हो गए, यहाँ पे मेरे सल्फर तीन हो गए। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बी ए था इधर थ्री लगाने से यार बी ए भी हमारे पास क्या हो गया था, थ्री आ गया था, तो थ्री हमारे पास बी ए ऑलरेडी बैलेंस था, तो थ्री जो बी ए है वो बैलेंस हो गया, सी एल बैलेंस हो गया, ए एल बैलेंस हो गया और एस बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अब यहाँ पे थ्री लगाया तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ये हो गए, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या आ गया, बैलेंस हो गया। तो हमने ओवरऑल जो पूरी इक्वेशन है उसको हमने बैलेंस कर लिया है, हमारी बैलेंस इक्वेशन ये है। ओके, सो ये हमारा जो है ये भी हमारा एक टाइप है इक्वेशन का जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। हमने जो सिंबल्स में हमें दे रखे होते हैं ऑलरेडी वाले इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली, वर्ड से हमने इक्वेशन बना ली। नेक्स्ट हमारे साथ जिसमें हमें सेंटेंस दिया होता है वर्ड में पूरा का पूरा, पूरी रिएक्शन जो होती है वो दे रखी होती है लेकिन सेंटेंस में दे रखी होती है, ठीक है। तो आपको जो है उसको फिर सिंबल में कन्वर्ट करके फिर उसको बैलेंस करना होता है। तो हमने जितने टाइप ऑफ इक्वेशन आपसे पेपर में पूछी जा सकती है हमने वो कंप्लीट कर ली है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।